हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया बिहार यूनिवर्सिटी में, सेशन 2021 से 23 का और 22-24 का, समझे। अब आप लोग का होगा कि सर कब रिजल्ट आएगा और मेरी लिस्ट में कट ऑफ, मतलब कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो तुर्की है उसका कितना जाएगा, फिर एलन मिश्रा है, फिर आपका एक विष्णु राजदेव कॉलेज है, समझे। तीन कॉलेज में एमएड होती है, समझे। आपका इस बार 300 सीट है, यानी दो सेशन मिला के, यानी 150-150, समझे। पहला एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपका 21-23 सेशन का अलग मेरिट लिस्ट आएगा और 22-24 का अलग आएगा, तो समझे। आप लोग जो इसमें डाले होंगे उसमें आपका होगा, समझे। अब ये बात नहीं समझिए कि 22-24 में कम लगेगा, उसमें भी उतना ही है जितना 21-23 में, समझे। अब देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं कि पिछले साल के, क्योंकि देखिए उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा आपका। जो 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग भी देखे थे, क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ये भी पता है, पिछले साल भी 96 नंबर टॉपर का आया हुआ था, समझे। 96 नंबर हाईएस्ट था, तो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी में कैसा एमएड का रहता है। तो देखिए, कुछ चीज़ आपको बताते हैं कि पिछले साल कई तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और कितना दिन में रिजल्ट जारी हुआ था, उसके आधार पर आप भी सोच सकते हैं कितना जल्दी रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, यही है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। और देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, 20-22 सेशन का है, आप लोग दो सेशन का इस बार निकाला था, 21-23 और 22-24 का, समझे। अब देखिए, आप एक चीज़ बताते हैं, पिछले साल आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 21 मार्च को हुआ था, अब की बार लेट कर दिया गया है, पता नहीं, पिछले साल कोरोना था तब भी पहले एग्ज़ाम ले लिया गया था, इस बार कोरोना नहीं था फिर भी लेट से एग्ज़ाम लिया गया, समझ जाइए क्या है, वही चीज़ है। तो देखिए, 21-3-2021 को एग्ज़ाम हुआ था, समझे, 21-3 यानी 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। और जो रिजल्ट था आपका, देखिए 27 तारीख को कुल सचिव के पास गया था, लेकिन जो रिजल्ट आपका जारी हुआ था वो 26 तारीख को हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको सब बताएँ कितना मेरिट लिस्ट है क्या है। तो 5 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया गया था 26 तारीख को, समझे। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग का भी एग्ज़ाम 21 तारीख को हुआ था, लेकिन 21 तारीख को हुआ था, लेकिन पता नहीं 21 तारीख को ही क्यों लेता है, तो संडे था, 21 तारीख को इस बार भी हुआ है, लेकिन अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है महीना चेंज था, अब की बार जो 21 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, समझे। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 21 अगस्त को हुआ है, आज 27 तारीख हो गया, तो 6 दिन हो गया, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आपका रिजल्ट 2-3 दिन 5 दिन में, क्योंकि जल्दी रिजल्ट जारी कर देती है बिहार यूनिवर्सिटी एमएड का, जिसे पिछले साल के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो, समझे कि 21 तारीख एग्ज़ाम हुआ, 26-27 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आ गया था, यहाँ देख लीजिए 27 तारीख का कुल सचिव सर का साइन भी है, समझे। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि अब कट ऑफ कितना, अब आप जान गए कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, आपका कार्बन कॉपी भी दिया गया है आपका, क्या उसको बोलते हैं कि आपका अथी भी जारी कर दिया जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, एंसर की भी जारी कर दिया जाएगा और फिर रिजल्ट भी जारी कर दिया, आप लोग मिला सकते हैं कि मेरा कितना मतलब सही है, समझे। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि अब आपके दिमाग में होगा कि चलिए रिजल्ट तो आपका 3-4 दिन 5 दिन में आपका, यानी समझिए कि आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, मतलब लास्ट नहीं, इसे आज ज्ञान कब जारी हो सकता है, समझे, पिछले साल के रेस्पेक्ट में, समझे। लेकिन 5 सितंबर तक मान लीजिए आपका रिजल्ट जारी होगा। अब आपका कट ऑफ कितना जाएगा, तुर्की गवर्नमेंट कॉलेज है, फी कम है, तो आपका उसका कम फी है, तो कट ऑफ हाई जाएगा, सब क्योंकि सबका प्रायोरिटी होता है कि हमको तुर्की कॉलेज मिले, उसके बाद एलन मिश्रा है, समझे, उसके बाद आपका विष्णु राजदेव है, समझे। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका तुर्की हो गया, ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर और विष्णु राजदेव राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय वैशाली में आपका होता है, 3 गो में होता है, 2 सेशन का हुआ था इस बार एग्ज़ाम। अब आइए कट ऑफ में हम आते हैं, समझे। अब देखिए, जैसे इसमें कैटेगोरी होता है, जैसे जनरल में आपका जनरल हो गया तो जनरल का सबसे हाई कट ऑफ जाएगा, आपको पता है जनरल में, फिर ईडब्ल्यूएस का थोड़ा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डिपेंड करता है कितना बच्चा मतलब अप्लाई किया, उसका भी रिजर्व सीट है तो उसके अकॉर्डिंग जाता है, उसका कट ऑफ कम जाता है, जनरल की अपेक्षा बहुत कम रहता है उसका कट ऑफ। अब सबका बताएंगे कितना
पर हुआ है, फिर BC हो गया, फिर BC1 हो गया जिसे EBC बोलते हैं जिसको, फिर आपका उसी में विकलांग PH होता है, ये सब का मतलब आता है आपका दिव्यांग, ये सब का आपका कटअप रहता है समझे, तो ये सब आपका है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं SC ST का है, फिर आपका ये सब का है, सबका कटअप बताएंगे आपको। तो देखिए आपका जो देखिए इसमें पहले TET तुर्की को अलॉट किया गया 50 सीट, पहले बताएंगे कि 50 सीट में किनका कितना उनका अलॉट हुआ है। अभी देखिए 41 है और यहाँ पर आपका 50 हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 50 सीट है आपका। इसके बाद आपका एलन मिश्रा का है, तो 50 सीट में किसका कितना मतलब कटअप गया है आइए बताते हैं समझे। इसी के रेस्पेक्ट में आपका 1 नंबर 5 नंबर इधर से उधर है, कम भी कटअप जा सकता है क्योंकि 2 सेशन का आया है, तो हो सकता है कि किसी का उस सेशन में 20-22 में 22-24 में चल गए होंगे। इसमें तो पिछले साल एक ही सेशन था तो कटअप हाई गया था, हो सकता है इस बार कटअप कम भी रहे ज़्यादा भी रहे, तो डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन आप सही करो मतलब किए होंगे, तो ऊपर से तो छाटना है, तो जो लोग का ज़्यादा नंबर आएगा उनका हो जाएगा समझे। अब देखिए आपका 1 नंबर से बताते हैं, 1 नंबर में जैसे यहाँ दिया है EBC का कटअप कितना है, 77 नंबर जिसका आया हुआ था, 100 में 77 था उनका हो गया है समझे। तुर्की कॉलेज फर्स्ट में मिला हुआ है समझे, आप सेकेंड में नहीं जाएंगे तो LN मिश्रा लेंगे, नहीं तो आपका थर्ड में VRT अप्लाई किए थे इनको मिला है, CET तुर्की मिला हुआ है समझे, तो ये चीज़ समझ गए। फिर उसके बाद EBC में 75 भी जिनका था समझे उनका भी हो गया है, फिर 73 था उनका भी हो गया है, यानी बोल सकते हैं EBC का कटअप जो है आपका 69 तक कब लेकिन हुआ है, लेकिन जिसका PH मतलब जो दिव्यांग थे सोनी कुमारी जो है दिव्यांग है उनका हुआ है EBC में 69 पर समझे, तो ऐसे आप जो दिव्यांग नहीं है उनका 77-78 यानी आपका 77 लड़का का है कटअप, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण में सीट आरक्षित होता है समझे, मतलब यहाँ पर आरक्षण है आपको जब मालूम होना चाहिए कि सीट आरक्षित होता है उतना ही कटअप होता है। तो देख लीजिए लड़का का आपका लड़का का है जो 77 नंबर है और लड़की का भी उतना ही 77 नहीं 75 है, लास्ट में 75 दोनों का बराबर ही होता है, तो 75 आपका किसका है 75 तक EWS का कटअप गया है, सॉरी EW बोले EBC का गया है, यानी BC1 जिसे हम लोग बोलते हैं, तो BC1 का कटअप कितना गया है आपका, तो 75-73 भी है, लड़की का 2 नंबर कम है 73 भी है, तो सोचिए कि 75 के आसपास में आपका, देखिए हम लिख देते हैं आपको 75 के आपके 75 के जो क्या होंगे आसपास आपका किसका कटअप होगा, तो आपके EBC का जो कटअप होगा 75 से 80 के बीच मान लीजिए, कि जिनका 75 से 80 आ रहा होगा हो सकता है उनका एडमिशन हो जाए। देखिए पिछले साल के कटअप के अनुमान हम बता रहे हैं समझे, जिनका 75 से 80 के बीच में होगा EBC में होंगे उनका हो जाएगा समझे, ये चीज़ आप समझ गए। कोई दिक्कत है तो फिर रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कितना कटअप, लेकिन अनुमानित कटअप आपको बता रहे हैं कि आप कम भी कटअप जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 70 वाला का नहीं होगा, हो सकता है इस बार 2 सेशन का आया था तो उसमें भी अप्लाई किए हैं, तो आपका 70 से 80 के बीच में भी रहेगा समझिए। 5 नंबर हम इधर घटाते हैं तो 5 नंबर उधर भी बढ़ाते हैं, तो समझ जाइए कि 70 और 80 के बीच में है EBC में, आप EBC में आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट मतलब तुर्की कॉलेज मिल सकता है, उसके बाद तो आपका LN मिश्रा ये सब है। ये तुर्की कॉलेज पर बात करते हैं क्योंकि सबको गवर्नमेंट चाहिए समझे, गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास भी करना पड़ता है ये भी पता है, क्योंकि हम कर रहे हैं तो ये चीज़ पता है हम समझे, तो ये चीज़ है। अब आइए EWS का कटअप समझे, EWS नीचे लिखा हुआ है आपको ये पता है EWS देखिए EWS का जो कटअप है 77 और है इधर भी आएंगे कितना है, तो देखिए 81 नंबर वाले जो शर्मीन अहमद जी हैं उनका 81 आया था उनको भी मिल गया है, रजनीश कुमार 81, पूजा कुमारी 77, निशांत कुमार 77, यानी EWS का न्यूनतम कटअप आप बोलिएगा तो 77 नंबर इधर भी आ जाते हैं, EWS आपका है 75, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि लेटेस्ट 75 तो इनको भी बोल सकते हैं कि जो EWS अप्लाई किए होंगे उनका भी 75 से 80 के बीच में आ रहा है, तो उनका भी क्या है कि रिजल्ट पक्का है, मतलब पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि पक्का तो नहीं हो सकता है क्योंकि कटअप कुछ भी जा सकता है, लेकिन फिर भी आपका चांस है कि आपका और 5 नंबर फिर इसमें भी तो घटाएंगे कि 2 सेशन है समझे, तो आपका 70 से 80 भी होगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा जो EWS में आते हैं, EWS सर्टिफिकेट जो देंगे तो 70 से 80 वाले किस में आ जाएंगे आपके, तो EWS में जिनका होगा 70 से 80 नंबर आ रहा है उनका रिजल्ट हो जाएगा समझे, तो ये भी आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं
किसमें, तो जनरल में, समझे। तो जनरल में एक चीज़ आप देखिएगा, या EWSA का है तो उतने हैं, तो कहने का मतलब हुआ जनरल में आते हैं, लेटेस्ट आपका क्या है 75 पर हो गया है। अब जनरल में देखिए 96 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आया था राहुल आनंद जी का, उसके बाद आपका जनरल में 85 है, फिर उसके बाद 82 है, 82 है, फिर उसके बाद 82 है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 80 से ऊपर आपका जनरल में है, और 80 से ऊपर आपका आ रहा है तो आपका होने की संभावना है, यानी 80 से ऊपर है तो आपका होने की संभावना है, समझे कि नहीं समझे। यानी 80 से ऊपर आपका आ रहा है तो आपकी संभावना है कि आपका जनरल में हो जाए, समझे। ते भी आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यानी आप जनरल में है और 80 से ऊपर आ रहा है तो आपकी संभावना है होने की। अब हम लोग आते हैं OBC का, यानी BC2B जिसको बोलते हैं हम लोग, तो देखिए 82 82 82, फिर उसके बाद है आपका 81, जनरल ही का है यानी 80 से ऊपर, फिर 81 81 81 81, यानी कहने का मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम, यहाँ OBC PH का कट ऑफ आपका गया है 60 गया है, समझे। फिर अनिता 58 भी गया है, जो लेकिन जो लोग मतलब दिव्यांग थे, समझे, तो उनको 58 भी गया था। दिव्यांग जो भी लोग हैं उनका समझिए कि 60 70 आ रहा है उनका, हो जाएगा, समझे। लेकिन डिपेंड करता है कि ज़्यादा अब होंगे तो उसमें भी कटअप हाई जा सकता है। तो एक चीज़ अब याद रखिएगा, हाँ, OBC का कटअप कितना जा सकता है, तो इनको भी 80 के समथिंग में, यानी 80 से ऊपर आ रहा है तभी आपका चांस है। यानी जनरल और OBC का कटअप सेम ही मान सकते हैं, समझे। तो जनरल और OBC का कटअप सेम ही मान लीजिए, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं कि 80 से ऊपर होगा तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है पिछले साल के कटअप के अनुसार। तो आपका 80 के समथिंग में इसका भी होना चाहिए, समझे। तो आपका ये हो गया। अब आते हैं SC का, तो 78 है, फिर आपका क्या बोलते हैं मतलब इसमें कह सकते हैं आपका 70 से, मतलब 70 के समथिंग में है, आप SC है तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है, 70 से 80 के बीच में होंगे तो आपका इसमें भी संभावना। मतलब देखिए, दो नंबर एक नंबर से कटअप इधर से उधर होता है। जनरल का मान लीजिए 82 गया तो आपका हो सकता है OBC का 80 जाएगा, EWS का जाएगा 78 जाएगा, फिर उसके बाद SC ST का आपका जाएगा 75 70 के समथिंग में जाएगा, तो ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है कट ऑफ में, समझे। तो इसीलिए आपका 70 से ऊपर है तो आपका SC के ST का तो दिया 78, उसके बाद ST का आपका है 60 दिया है, एक ही मतलब लिया है, और भी जनरल में जिसका हुआ तो ज़्यादा अप्लाई नहीं किए होंगे, तो इनको 60 पर हो गया है, समझे। तो ये आपका कट ऑफ को आप समझ गए होंगे जहाँ तक हमको लगता है। तो आपका 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, समझे। लेटेस्ट मान लीजिए कि देखिए आप पिछले साल के अथी में देखिएगा, 6 दिन 7 दिन में आया है तो हो सकता है कि इस बार जल्दी रिजल्ट दे दे, तो 10 दिन मान लीजिए कि 5 से 10 दिन के बीच में, कब आज जारी हो सकता है, बिहानों जारी हो सकता है, समझे। ये चीज़ आपका कुछ भी हो सकता है, समझे। तो ये चीज़ है, तो आपका आज मतलब कभी भी जल्दी जारी कर दिया क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट तो है नहीं, तो आपका और कट ऑफ भी आप लोग देख ही लिए पिछले साल क्या था कट ऑफ, इस बार क्या रहेगा। फिर एलन मिश्रा में आइएगा तो जनरल का आपका 65 नंबर वाले भी जनरल में हुआ है एलन मिश्रा में, समझे। EWS का 71 70 वाले हैं उनका हुआ है, समझे। और भी आते हैं EBC में आपका 68 वाले के भी हुआ है, समझे। फिर उसके बाद EWS 69 वाला, ये सब है जनरल 81 ये सब का है। तो कहने का मतलब क्या हो, देखिए यहाँ जनरल में 79 भी आया तो उनका नहीं हुआ है, समझे। ये सब चीज़ है, तो 78 ये सब है, तो OBC का नहीं, 70 से ऊपर है तो आपका इधर मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है ये, आपको बाद में स्पॉट राउंड भी एडमिशन होता है, समझे। तो ये सब चीज़ है। फिर आपका विष्णु राज देव है, विष्णु राज देव में भी आपका जनरल का 64 65 ये सब 60 ये सब पर आपका मिल जाएगा, समझे। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि तुर्की का जो कट ऑफ है आपका मैक्सिमम, आप कोई भी कैटेगरी में है आपका 70 से ऊपर होना चाहिए, यानी SC का 70, जो SC ST में 70 से ऊपर होना चाहिए, EWS में जो है उनका 75 के समथिंग में होना चाहिए, यानी और OBC में है तो 80 से समथिंग 80 से ऊपर होना चाहिए, आप EBC में है तो आपका 75 से ऊपर होना चाहिए, यानी ये सब चीज़ आपको होना चाहिए तभी संभावना है, इतना नंबर होगा तभी आपकी संभावना है। कि हम नंबर डाल भी दिए, आप 4 नंबर 5 नंबर इधर से उधर होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना क्या है कि आपका उसी के आसपास रहेगा, समझे। तो 80 के समथिंग में आ रहा है तो आपका संभावना है, जिसका 80 के समथिंग में सही है
अब कोई भी कैटेगरी में संभावना है हो जाने का, लेकिन ये चीज़ अब कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, समझे। थैंक यू।